फ्रेंड्स, सोनास के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज आपके साथ शेयर करेंगे हम ये पफ वाला थाल पोस्ट डिज़ाइन। देखिए इस तरीके से इसका हमने फ्लावर बनाया है, पफ से ही इसका फ्लावर बनाया है, सारी पफ से ही हमने इसकी फ्लावर बनाई है। और इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 पंक्तियाँ बनाई हैं, जो देखिए इस तरीके से दिखने में दिख रहा है। इसे हमें अब हमने इसकी 1 2 3 4 5 6 7 रो पूरी कर लेनी है टोटल, तो हमने पूरी कर ली है। इसके बाद इसको घटाना है, यानी कि इसकी हमें पंखुड़ियाँ बनाती हुई जानी है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से घटाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे। ये हाफ पार्ट है जो हम नेक्स्ट किसी दूसरे वीडियो में अपलोड करेंगे, स्टार्टिंग से लेके पूरा। और इसके बाद का जो है हाफ घटाने वाला पार्ट हम अभी आपको दिखा देते हैं, अभी आपके साथ शेयर करेंगे इसको किस तरीके से घटा के इस पंखुड़ी को कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ऐसे यहाँ पे हमने 4 1 5 5 चेन ले लेना है। अब हमें घटाना है, तो देखिए क्या करना है घटाने के लिए। ये वाला स्किप कर देंगे हम, ये चेन टोटल स्किप करके फिर यहाँ से हम बनाएंगे और यहाँ से बनाएंगे और सेम प्रोसेस वही रहेगा। तो देखिए किस तरीके से क्या करना है, ऐसे इसमें लेंगे और इस तरीके से एक पफ हमने बना लिया। फिर यहाँ बीच में हम 2 चेन लेंगे इस तरीके से, फिर यहाँ इसी वाले में एक पफ और बना लेंगे, 1 2 3 और ये 4 राउंड करेंगे और सारा एक साथ हम इकट्ठा ऐसे निकाल देंगे। ये हमारा पफ तैयार हो गया, 2 इसमें हमने पफ बना लिए, बाकी सब में सिंगल 2 चेन लेंगे। देखिए चेन लेंगे और इस वाले में डाल के ऐसे फिर 4 राउंड कर लेंगे, 1 2 3 और ये 4, 4 बार लेके ऐसे इसको पूरा एक में से ऐसे निकाल देंगे इस तरीके से। एक ये पफ बन गया, फिर बीच में हमको एक ही एक पफ बनाना है। तो देखिए फिर यहाँ अगले वाले में फिर 4 रो करेंगे, 1 2 3 और ये इस तरीके से। देखिए फिर चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले में ऐसे डाल के 4 राउंड कर लेंगे, 1 2 3 और ये 4, फिर सारा इकट्ठा ऐसे निकाल देंगे और यहाँ पे फिर चेन बना लेंगे। फिर सेम प्रोसेस में 1 2 3 4 4 बार करेंगे और सारा ऐसे हम निकाल देंगे ऐसे, इस तरीके से पफ बनाएंगे। देखिए एक बार और ध्यान से किस तरीके से पफ बनाना है हमें, इसको ऐसे ऐसे फिर यहाँ पफ बना लेंगे, 1 2 3 और ये 4 टाइम लेंगे और इन सबको ऐसे इकट्ठा निकाल देंगे। ये पफ बन गया, इन दो को हमें स्किप करना है और यहाँ पे हमें फिर जिस तरीके से हमने यहाँ पफ बनाया था 2 वैसे यहाँ 2 पफ बना लेंगे। तो यहाँ भी 2 चेन ले लेंगे ऐसे और फिर यहाँ बीच में हम पफ बना लेंगे, 1 राउंड है, 2 3 और ये 4 राउंड लेंगे और सारा एक बार निकाल के फिर यहाँ 2 चेन लेके फिर यहाँ पे ऐसे हम 1 2 3 और ये 4 बार ऐसे लेके इसे ऐसे निकाल के ऐसे फिर हम 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और इस वाले में ऐसे 5 चेन बनाते हैं और इस वाले में स्लिप चेन लेके ऐसे जॉइंट कर देंगे। देखिएगा इस तरीके से फिर 1 2 3 4 और ये 5 चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट इस वाले में ऐसे यहाँ पे फिर पफ बनाते हैं, जैसा हमने यहाँ पफ बनाया है सेम वही प्रोसेस रहेगा। बना के इसको हम यहाँ तक आते हैं, फिर बताते हैं आगे कैसे क्या करना है। ये देखिए हमारा डिज़ाइन, ये हमने फर्स्ट रो इसकी पूरी कर ली जहाँ से हमने ये जॉइंट किया था, ये हमने पूरी फर्स्ट रो इसकी पूरी कर ली, सेकेंड स्टार्ट किया है। अब देखिए यहाँ पे 2 पफ बनाएंगे लास्ट वाले में, इस तरीके से 1 पफ बना दिया हमने। अब लास्ट वाले से इसको स्किप करेंगे, फिर इसको स्किप किया था हमने, इसको स्किप करने वाले इसको स्किप किया, उसके बाद से यहाँ देखिए 2 चेन बना लेंगे और इसमें फिर एक और पफ बना लेंगे, 1 2 3 और ये 4 राउंड हमें करना है और उसके बाद से इसको ऐसे निकाल के फिर
एक दो तीन चार पाँच, पांच चेन बनाएंगे और फिर यहाँ पे ऐसे स्लिप चेन लेते हुए ऐसे यहाँ पे इसे ज्वाइंट करेंगे। फिर हम एक दो तीन चार पाँच, पांच चेन फिर बनाएंगे और फिर स्लिप नॉट लेते हुए यहाँ पे ऐसे स्लिप चेन लेते हुए ऐसे ज्वाइंट कर देंगे। फिर एक दो तीन चार और पांच, पांच चेन फिर लेंगे और इस वाले को स्किप करके अब इस वाले में हमें देखिए ये इसको स्किप करके फिर यहाँ पे दो पफ बना लेंगे। तो देखिए किस तरीके से बनाएंगे, ऐसे एक राउंड, दो राउंड, तीन राउंड और ये चार राउंड, चार राउंड करेंगे और इन सबको इकट्ठा ऐसे कर देंगे। फिर यहाँ पे एक और दो चेन बना लेंगे, फिर यहाँ पे हम एक दो तीन और ये चार, चार पफ बनाएंगे और इस तरीके से करके ये देखिए फिर हमें क्या करना है, फिर चेन लब बनाते हुए इसको पूरा करना है। यहाँ पे चेन लेंगे और फिर इस वाले में सिंपल एक लास्ट वाले में डबल पफ बनेंगे और बीच बीच में एक एक पफ बनाना है, बीच में हमें एक एक पफ बनाना है इसमें और लास्ट वाले में, लास्ट वाले में डबल डबल पफ बनाना है। तो चलिए आगे बताते हैं कैसे क्या करना है, इस रो को कंप्लीट करके फिर बताते हैं आगे कैसे क्या करना है। देखिए बारिश आ रही है इसकी वजह से बहुत अंधेरा हो गया है तो हमें लाइट में ये काम करना पड़ रहा है। ये देखिए तो यहाँ देखिए हमने ज्वाइंट करके बताया है आपको ऐसे यहाँ पे, देखिए ये हमारी फर्स्ट रो थी जो हमने यहाँ पे आपको बताई थी, ये सेकेंड रो हमारी स्टार्ट हो गई है और जितना हम बिनते हुए जाएंगे तो ये हमारा पंखुड़ियाँ और कम होती जाएंगी और ये पंखुड़ी के शेप ले लेगी इस तरीके से, ये घटते हुए चली जाएगी इस तरीके से। तो इस रो को हम कंप्लीट करके फिर दिखाते हैं कि इसका लुक कैसा दिखता है जब ये वाली रो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनेगा। फिर हमने यहाँ पे पांच चेन ले लेंगे और यहाँ वाले पे जहाँ हम चेन बनाते चले जाएंगे वहाँ पे स्लिप चेन ले कैसे ज्वाइंट करेंगे, एक दो तीन चार और पाँच, पांच चेन बनाएंगे और फिर स्लिप चेन लेते हुए यहाँ पे हम इसे ऐसे ज्वाइंट कर देंगे। फिर एक दो तीन चार पाँच, पांच चेन लेंगे और पफ को देखिए स्किप करेंगे, ये डबल पफ को स्किप करेंगे और यहाँ पे डबल पफ फिर बनाएंगे। तो देखिए कैसे डबल पफ फिर यहाँ हम बनाएंगे, ऐसे लेंगे एक, ऐसे चार राउंड करना है हमें ऐसे ऐसे और पूरा ऐसे इकट्ठा हम इसको ऐसे बुन देंगे। तो ये हमारा एक पफ हो गया, चेन बना लेंगे फिर इसमें हम डबल पफ बना लेंगे, बाकी में सिंगल बनेगा, लास्ट में और फर्स्ट में डबल चेन बना लेंगे। तो इस तरीके से ये देखिए घटते हुए चला जाएगा, फिर यहाँ भी एक या दो चेन जितना आप ले रहे हैं उतना ले लीजिए और फिर बीच में यहाँ पे सिंगल पफ बनाएंगे, सिंगल एक पफ बना लेंगे। रुकिए देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए बगल का साइड का धागा ना पकड़ में आए बस उसको देखते हुए, एक दो तीन और ये चार, चार राउंड लेंगे और फिर इकट्ठा इसको निकाल के ऐसे पफ बना लेंगे इस तरीके से। फिर एक चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट वाले में यही प्रोसेस करना है, बीच वाले में सिंगल पफ, सब में एक एक पफ रहेगा और लास्ट में और फर्स्ट में हमारा डबल पफ बनेगा। ये देखिए इस तरीके से चेन बनाएंगे, फिर इस वाले में डालेंगे ऐसे, फिर यहाँ भी एक पफ बना लेते हैं, चार राउंड करना है पफ का हमें, आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं, जितना अधिक आप पफ बनाएंगे उतना अधिक आपको राउंड लेना पड़ेगा उसके लिए और ये ज़्यादा अच्छा बनेगा, पफी बनेगा। तो इसके लिए देखिए हम यहाँ चार चार ले रहे हैं, बहुत लोग चाहें तो आप कम बनाना है तो आप तीन ले लीजिए और जिसको इससे अधिक बनाना है तो चार पाँच ले सकता है। देखिए फिर लास्ट वाले में हमें पफ बनाना है तो यहाँ पे ऐसे करके ऐसे एक, फिर फोर राउंड करेंगे, दो तीन और ये चार, चार राउंड करेंगे इस तरीके से और इसको निकाल के ऐसे बना लेंगे पफ। फिर लास्ट वाले में एक दो तीन और ये चार, चार लेंगे और इसको ऐसे पफ बना के ऐसे निकाल देंगे। फिर एक दो तीन चार पाँच, पाँच चेन लेंगे और फिर स्लिप चेन लेते हुए यहाँ पे इसे ज्वाइंट करेंगे ऐसे ऐसे, ये देखिए ज्वाइंट किया। फिर हम पांच चेन लेंगे, एक दो तीन चार और ये तीन, तीन चार और ये पांच, पांच चेन लेंगे और फिर यहाँ पे हम इसे स्लिप चेन के ज़रिए ऐसे इसको ज्वाइंट करेंगे। फिर
एक दो तीन चार और ये पांच, फिर पांच चेन बनाएंगे और फिर लास्ट यहाँ वाले पे हम पफ बनाएंगे, डबल डबल पफ बनाएंगे, फिर बीच में सिंगल, फिर यहाँ डबल पफ। पूरा प्रोसेस हमें ऐसे ही करना है, देख लीजिए ध्यान से इस तरीके से बनाते हुए। अब हम एक दो लाइन इसे कंप्लीट करके फिर दिखाते हैं कि आगे कैसे क्या करना है। ये देखिए हमने ये देखिए सेकेंड रो भी कंप्लीट कर लिया यहाँ पे, देखिए अब हमारी ये थर्ड रो यहाँ से स्टार्ट होगी। तो पफ हमारे यहाँ बनेंगे और ये और नुकीली ऐसे पत्ती शेप में बन जाएगी। तो इसको हम कंप्लीट करके इसकी डिज़ाइन बाद में आपके साथ शेयर करेंगे। और इतना हमने इसमें आपको पफ बनाना बता दिया है और पफ डबल कहाँ कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे हटाना ये सब बता दिया है। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो जब हम अपलोड करेंगे तो उसमें आपको हम इसकी स्टार्टिंग से लेके पूरी एंडिंग तक बताएंगे कि किस तरीके से इसको बनाएंगे और किस तरीके से घटाना है, किस तरीके से बढ़ाना है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा, और जिसने चैनल सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।